नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति शर्मा और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी चुनौतियां बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात इस चुनौती को और स्पष्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की बैठक में और क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं पूरे भारत की ओर से सभी ताजिक भाई बहनों को और राष्ट्रपति रहमान को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है। अफगानिस्तान की स्थिति पर एससीओ और सीएसटीओ के बीच इस विशेष बैठक के आयोजन के लिए राष्ट्रपति रहमान को मेरा धन्यवाद। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें चार विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझ कर और सामूहिक तरह से ले। इस मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। दूसरा विषय है कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। एससीओ के सदस्य देशों को इस विषय पर सख्त और साझा नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। आगे चलकर ये नॉर्म्स वैश्विक एंटी टेरर सहयोग के लिए भी एक टेम्पलेट बन सकते हैं। ये नॉर्म्स आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। इनमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और इनके एनफोर्समेंट की प्रणाली भी होनी चाहिए। एक्सलेंसी, अफगानिस्तान के घटनाक्रम से जुड़ा तीसरा विषय यह है कि इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। बड़ी मात्रा में एडवांस वेपन्स अफगानिस्तान में रह गए हैं। इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा।
इनफ्लोज को मॉनिटर करने और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने के लिए एससीओ रेड्स मैकेनिज्म्स सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इसी महीने से भारत इस संस्था की काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है। इस विषय पर हमने व्यवहारिक सहयोग के प्रस्ताव डेवलप किए हैं। चौथा विषय, अफगानिस्तान में गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का है। फाइनेंशियल और ट्रेड फ्लोज में रुकावट के कारण अफगान जनता की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है, साथ में कोविड की चुनौती भी उनके लिए यातना का कारण है। विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से अफगानिस्तान का विश्वस्त पार्टनर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, सेहत और कैपेसिटी बिल्डिंग तक हर सेक्टर में और अफगानिस्तान के हर भाग में हमने अपना योगदान दिया है। आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्बाध तरीके से पहुंच सके। एक्सलेंसीज, अफगान और भारतीय लोगों के बीच सदियों से एक विशेष संबंध रहा है। अफगान समाज की सहायता के लिए हर क्षेत्रीय या वैश्विक पहल को भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की हाइलाइट्स। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।